नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्लैश। श्रीलंका और वेस्टइंडीज के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज का आज पहला मुकाबला खेला गया। श्रीलंका ने इस मुकाबले में टॉस जीत करके सबसे पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। श्रीलंका की टीम के लिए गुणतिलका और कप्तान करुणारत्ने ने शानदार बल्लेबाजी की। इन दोनों ने 105 रनों की शानदार ओपनिंग पार्टनरशिप की। बता दूं आपको कि गुणतिलका ने 61 गेंदों में 7 चौकों की मदद से 55 रन बनाए। वहीं करुणारत्ने जो कि कप्तान हैं श्रीलंकाई टीम के, उन्होंने 61 गेंदों में 4 चौकों की मदद से शानदार 52 रनों की पारी खेली। वहीं अशेन बैंड्रा ने भी 50 रन बनाए। आपको बता दूं श्रीलंका ने 49 ओवरों में सभी विकेट खोकर 232 रन बनाए। जेसन होल्डर और जेसन मोहम्मद ने दो दो विकेट चटकाए। 233 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम कभी भी इस मुकाबले में पीछे नहीं दिखी। साई होप और लेविस ने पहले विकेट के लिए 28.2 ओवरों में शानदार 143 रन ठोके। लेविस 65 रन बनाकर आउट हुए। होप ने 133 गेंदों में 12 चौके और एक शानदार छक्के की मदद से 110 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। चमीरा ने दो विकेट लिए, लेकिन श्रीलंकाई टीम का कोई और गेंदबाज कुछ खास नहीं कर सका और किसी को विकेट बिल्कुल भी नहीं मिला। होप को चमीरा ने 110 के स्कोर पर बोल्ड कर दिया। उसके बाद 233 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज का दूसरा विकेट साई होप के रूप में गिरा था, जब वेस्टइंडीज की टीम का स्कोर 215 रन तक पहुंच चुका था। अब वेस्टइंडीज को यहां से महज 18 रन चाहिए थे और 8 विकेट अभी भी उनके शेष थे। ऐसे में वेस्टइंडीज की टीम ने यहां से एक भी विकेट नहीं गंवाया और पूरे 8 विकेट से मुकाबले को बहुत ही आसानी से जीत लिया। ये मुकाबला बहुत ही ज़्यादा शानदार था, लेकिन यहाँ पे आपको बता दूँ कि वेस्टइंडीज़ का पलड़ा पूरे मुकाबले में भारी दिखा और कहीं पे भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आई वेस्टइंडीज़ की टीम को। हाँ, हालांकि एक बात है कि ओपनिंग करते हुए जब श्रीलंकाई टीम ने जब ओपनिंग बल्लेबाजी करी थी पहले इनिंग्स में, तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शानदार बल्लेबाजी करी थी गुणतिलका और करुणारत्ने ने। उनकी ओपनिंग साझेदारी जो हुई थी वो बहुत बेहद ही कमाल हुई थी और 105 रनों की पार्टनरशिप कर डाली थी इन दोनों बल्लेबाजों ने। तो निश्चित ही श्रीलंका ने एक अच्छी शुरुआत करी थी, लेकिन बहुत ही बुरी तरीके से शर्मनाक हार झेलनी पड़ी है। कहीं ना कहीं 8 विकेटों से हार मिली है और वेस्टइंडीज़ के शानदार बल्लेबाज साई होप ने एक बार फिर से साबित किया है कि क्यों उन्हें विश्व क्रिकेट में अभी भी बहुत ही ज़्यादा शानदार बल्लेबाज का दर्जा दिया जाता है। और उन्होंने 110 रनों की शानदार पारी खेली। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, साथ ही क्रिकेट के लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल के आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल भी मत भूलना। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड बी सेफ। लव यू ऑल।